वेलकम ओलोफिन में यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड के पलामू के चेरो वंश के बारे में। ये हो जाता है भाग एक वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे पलामू के चेरो वंश के बारे में। आइए एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं पलामू के चेरो वंश का। तो ये देखिए कैसा था, अकबर के शासनकाल में किस प्रकार का चेरो वंश था, किस प्रकार से यह प्रभावित हुआ था अकबर शासनकाल में चेरो वंश, उसके बाद में जहांगीर शासनकाल, शाहजहां शासनकाल, औरंगजेब शासनकाल और आखिर में देखेंगे उत्तर मुगल कालीन में। तो यहाँ पर देखिएगा औरंगजेब शासनकाल हो जाता है और उत्तर मुगल कालीन, तो इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे भाग दो वाले वीडियो में। तो चलिए पहले देख लेते हैं पलामू के चेरो वंश के संस्थापक कौन हो जाते हैं और स्थापना कब हुई थी। तो देखिए संस्थापक हो जाते हैं भागवत राय और स्थापना हुई थी 16वीं सदी में। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अकबर शासनकाल में। देखिए अकबर शासनकाल में जब 1589 ईस्वी में राजा मानसिंह मुगल सूबेदार बना तो उन्होंने पलामू पर जीत हासिल की। पलामू में जीत हासिल करने के युद्ध में कुछ चेरों मारे गए और जितने बचे हुए चेरों थे उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन देखिए भागवत राय को राजा रहने दिया गया। भागवत राय जो हो जाते हैं चेरो वंश के संस्थापक। लेकिन देखिए उसके बाद में 1605 ईस्वी में पलामू के चेरो वंश की पुनर्स्थापना भी हो जाती है। तो ये कैसे हुई थी, तो जब राजा मानसिंह पलामू को जीत लिया था उसके बाद वह वापिस बिहार लौट गया था। जब बिहार लौट गया था तो पलामू में मुगल फौज रख दी थी और उसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के कारण मुगल प्रशासन में फैली गड़बड़ी के चलते कुछ चेरों ने मुगल फौज को हरा दिया। ये एक मौका मिल गया मुगल फौज को हराने का और उन्होंने मुगल फौज को हरा कर भगा दिया, जिसकी वजह से पलामू का चेरो वंश फिर से पुनर्स्थापित हो गया। आगे देखते हैं जहांगीर शासनकाल में। तो देखिए जहांगीर शासनकाल में मैं डिस्कस करना चाहूंगा सहबर राय के बारे में। ये सहबर राय राजा हो जाते हैं जो कि चेरो वंश के अत्यंत शक्तिशाली राजा हो जाते हैं। लेकिन देखिएगा 1612 ईस्वी में जितने भी काफिले जाते थे बंगाल की ओर मुगल काफिले, उन्हें लूट लेता था सहबर राय, जिसकी वजह से जहांगीर क्रोधित हो गया और सहबर राय को बंदी बनाने का फैसला किया, जिसमें वह सफल भी हो जाता है। आगे जाकर देखिएगा तो सहबर राय की मृत्यु हो जाती है। तो ये देखिए किस कारण से मृत्यु हो जाती है, जब सहबर राय को बंदी बना लिया गया था तो उन्होंने जहांगीर के मनोरंजनाथ बाग से निहत्ते लड़ने को कहा गया था। मतलब जहांगीर के जो मनोरंजनाथ बाग था उसे निहत्ते लड़ने के लिए कहा गया, जिसमें सहबर राय की मृत्यु हो जाती है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से अक्सर सवाल बन के चले आते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं शाहजहां शासनकाल में, जिसमें लोग डिस्कशन करेंगे प्रताप राय के बारे में। और इन्हीं के समय में देखा जाए तो पलामू का चेरो वंश अत्यंत समृद्ध राज्य भी था। प्रताप राय के शासनकाल में तीन इंपोर्टेंट पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा, जिसमें पहला हो जाता है मुगलों को कर ना देने के कारण। देखिए प्रताप राय ने मुगलों को कर नहीं दिया तो इसका कारण क्या हो जाता है और इस समय कौन हो जाता है मुगल सूबेदार, तो ये हैं अब्दुल्ला खां। अब देखिए कारण क्या हो जाता है, तो टैक्स में बार बार बढ़ोतरी हो जा रही थी, बार बार टैक्स की राशि में बढ़ोतरी हो जा रही थी, जिसके कारण से परेशान होकर प्रताप राय ने टैक्स देना बंद कर दिया मुगलों को। अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं मुगलों को पुनः कर देने का कारण, और इस समय हो जाते हैं मुगल सूबेदार शाइस्ता खां। अभी देखिए प्रताप राय ने बार बार टैक्स की बढ़ोतरी के कारण से टैक्स देना बंद कर दिया था, तो देखिए पुनः क्यों टैक्स देना प्रारंभ कर दिया था, तो इसका कारण हो जाता है जब टैक्स देना बंद कर दिया था प्रताप राय ने तो शाइस्ता खां ने क्या कर दिया, पलामू पर आक्रमण कर दिया। और इसे देखते हुए प्रताप राय ने संधि करना बेहतर समझा और साथ ही साथ निर्धारित रकम भी दिया। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो ये हो जाता है पुनः मुगलों का पलामू पर आक्रमण, और किसने आक्रमण किया था, तो ये हो जाते हैं जबरदस्त खां। तो यहाँ पर देखेंगे अब प्रताप राय ने तो टैक्स देना चालू कर दिया था, लेकिन फिर भी क्यों मुगलों ने पलामू पर आक्रमण कर दिया, तो इसका कारण हो जाता है देखिए ये पिछले वर्ष का टैक्स नहीं दिए थे, जिसकी वजह से जबरदस्त खां ने आक्रमण कर दिया था पलामू पर। लेकिन इस आक्रमण को देखते हुए प्रताप राय ने संधि करना बेहतर समझा और संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया और साथ ही निर्धारित रकम भी दिया, जैसे कि 1,00,000 रुपये और एक हाथी भी दिया प्रताप राय ने। तो प्रताप राय के शासनकाल में इन तीन महत्वपूर्ण घटना को आप जरूर याद रखिएगा। वीडियो छोटा हो जाता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे ऑल।